गाइस, वेलकम एंड वेलकम माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले एमसीएस 021 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड सब्जेक्ट भी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हार्ड है ये डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो उसको कवर कर ले तो 60% 70% मार्क्स आ जाने हैं। तो मैं आज वही फुल वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे पास कुछ वीडियोस भी थी पहले की, तो वो भी मैं यहाँ आई कार्ड में दे दूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी, प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना। कोई भी सभी और सब्जेक्ट जो चाहिए प्लीज़ कमेंट करो। ये थर्ड सेमेस्टर का है और एमसीएस 021 डाटा एक स्ट्रक्चर, डाटा एंड फाइल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। ये ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्री समझ जाते हो तो बाकी सारे टॉपिक भी आसानी से आप समझ पाओगे। तो ट्री क्या है? इफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज शो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमॉन्ग द नोड्स इफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा इन हायरार्किकल मैनर्स। इसके कहने का मतलब है कि जो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो शो करता है पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप को, ठीक है, जो कि नोट्स के अंदर होते हैं। तो अब आप कहोगे कि पेरेंट्स और चाइल्ड का यहाँ क्या काम है ना? तो सो मैं बताती हूँ आपको, वन सेकेंड, कि ये जो हम अगर मान लेते हैं कोई ये जो है ना, वो हम एक ट्री बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ए है, बी है, सी है, एफ है, जी है, यू नो सब चीज़ है, ठीक है। और ये कहता है कि इसमें से रूट कौन है एंड बताओ कि चाइल्ड कौन है, एजेस कौन है। तो ये जो फर्स्ट में जो होता है ना, जिसके रूट्स निकले होते हैं यू नो ट्रीज, वो ये जो होता है वो रूट होता है। ये जो तार निकले होते हैं यू नो जिससे कनेक्ट होते हैं, वो एजेस होते हैं। एंड उनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ए के पार्ट्स बी हो गए और ये सी हो गए, ये चाइल्ड नूड्स हो गए। बट इसके भी चाइल्ड्स हैं, तो ये एक तरह का अपने आप में नूड्स हो गया, बट इसके लिए नूड्स हुआ क्योंकि ये दोनों आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उसके लिए नूड्स हुआ, बट ए के लिए ये बी और सी ही चाइल्ड नूड्स है, ठीक है। और ये एजेस हो गए। एंड देन कि अगर हम बात करें कि इंटरनल नोड की, तो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो होता है ये इंटरनल नोड होता है, इंटरनल नोड होता है। एंड बाकी ये जो बचते हैं ये सारे, ये एक्सटर्नल नोड होते हैं, ठीक है। और हम बात करें तो लेवल की, लेवल क्या होता है यू नो, और ये जो सी और बी पार्ट हो जाते हैं हमारे, ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये सी एफ जी यू नो सबसे लास्ट के, वो हो जाते हैं हमारे लीप्स, ये लीप्स हो जाते हैं, ओके। एंड देन की बात करें हम लेवल की, तो ए जो लेवल होता है, ए का जो लेवल होता है वो वन होता है, यू नो लेवल वन, ठीक है। बी सी जो होता है हमारा वो हो जाता है लेवल टू, एंड जो लास्ट हो जाता है वो लेवल थ्री हो जाता है, अगर इसके भी पार्ट्स होते ई के तो वो फोर हो जाता। अब हम बात करते हैं डिग्रीज की, ठीक है। डिग्रीज क्या होते हैं? डिग्री क्या होता है कि नंबर ऑफ नूड्स और नंबर ऑफ चाइल्ड्स डिग्री कहलाता है। अब बताओ कि ए के कितने डिग्रीज हैं, आप बता सकते हो कि ए के कितने डिग्रीज हैं? ए के दो डिग्रीज हैं, क्योंकि एक ए जा रहा है, सॉरी एक्सक्यूज, एक हमारा बी जा रहा है और एक सी जा रहा है। तो कितने एजेस हुए? एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, तो ये हमारे हो गए दो एजेस, यानी दो चाइल्ड है ए के दो चाइल्ड हो गए। बी के कितने हैं? बी के भी दो है, क्योंकि ये सी और ये एफ हो जाता है, तो ये दो चाइल्ड हो जाते हैं इसके। बट ये हम सी को देखें अगर, सी हाँ सी ही है, सी को अगर देखते हैं हम कि क्या है सी के कितने है? तो हमारे सी के बस एक ही डिग्री हैं, क्योंकि यहाँ देख रखे कि हमारा जो इस सी से एजेस निकल रहा है वो एक ही एजेस है ना, तो इस वजह से ये डिग्री दो ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाइट की। अब हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट क्या होगा?
अब जितने एजेस होते हैं ना, देखो अगर मानो कि एक ही हम निकालते हैं एजेस, तो एक ही कितने एजेस हैं, एक इधर है और एक ये इधर है, तो ये जो दो लाइंस होते हैं ना कनेक्शन के लिए, रिलेशन करने के लिए, वो लाइंस होते हैं मतलब हाइट्स। अगर पूछे जाए कि एक ही कितने हैं हाइट, तो आप बताओगे दो हाइट है, ठीक है, क्योंकि ये जो तार है हमारा दो जुड़ रहा है, यू नो, ए से बी में जुड़ रहा है तो एक हुआ, और बी से सी में जुड़ रहा है तो ए हुआ, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम पूछता है, ठीक है, मिनिमम नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ए का क्या है, तो आप ये बता सकते हैं। तो समझ आ गया, जैसे कह सकते हैं कि सी का बताओ कि कितना मैक्सिमम पाथ है, तो आप क्या बताओगे हाइट है, क्या बताओगे, एक बताओगे, सी के एक ही पार्ट निकल के आ रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन देता है कभी कभी कि फाइंड द हाईएस्ट हाइट ऑफ नोड, मतलब फाइंड द हाइट ऑफ नोड, तो जो भी मैक्सिमम और लार्जेस्ट पाथ होगा ना ट्री का, ट्री के एजेस का, वो ट्री के लॉन्गेस्ट पाथ को कहते हैं हाइट ऑफ नोड। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, डिपेट लेवल, ठीक है, सॉरी डिपार्ट लेवल, नंबर ऑफ एजेस टू रूट इज कॉल्ड द डिपार्ट लेवल। मतलब जो भी नंबर हम चूज करते हैं, मान लो एफ चूज करते हैं, तो या हमको ना नीचे कोई भी नंबर्स को रूट तक ले जाने का जो रास्ता होता है ना, उसे हम कहते हैं कि ये कोई सा भी नंबर हो, वो रूट तक जाने के रास्ते में जितना भी एजेस होते हैं उसको गिनने होते हैं, और वो बताता है डिपार्ट लेवल। जैसे एफ का है, तो एफ का क्या दिखा रहा है, एक हम इधर से जा सकते हैं और इधर तो नहीं आ सकते क्योंकि इधर तो हमको रूट नहीं मिल रहा है, हमारा रूट तो ये है, ठीक है, तो हमको इधर जाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ से बी पे जाएंगे, पहले क्या करेंगे, एफ से बी पे जाएंगे एंड फिर बी से ए पे जाएंगे। कितने लेवल हो रहे हैं, एक और ये दो, तो फाइंड द एफ ऑफ द पेट लेवल इज अ टू, ठीक है। अगर आपको बोलता है सी बताओ, तो सी के तो सी से पूरा ए कनेक्टेड है, तो एक तार में ही कनेक्ट हो जा रहा है, एक एजेस ही आ रहे हैं, तो सी के कितने हो जाएंगे, तो वो सी के हो जाएंगे आपके एक, ठीक है, सी के एक हो जाएगा। सब ट्री क्या होता है, सब ट्री कहते हैं, मतलब यू नो ब्रांचेस को सब ट्री कहते हैं, जैसे कि ए के ब्रांचेस हैं, तो ये जो एक फैमिली हो जाता है ना, ये एक फैमिली हो जाता है, क्योंकि ये ए का बी का पार्ट है, यू नो बी एक रूट हो जाता है, फिर इसके एजेस जो है उसका नोड्स निकल के आते हैं, तो यू नो बच्चे होते हैं, किल्ड चाइल्ड्स हैं, ये पेरेंट्स होता है, तो वो जो सब ट्री होता है ना, जैसे कि ये एक सब ट्री हो गया बी सी एफ, और ये सी जी आई, ये एक सब ट्री हो गया, ठीक है। सिबलिंग्स क्या होता है, सिबलिंग्स को हम कहते हैं ना कि कनेक्शन होता है, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है जो कनेक्शन, वो सिबलिंग्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें कि वन सेकेंड कलर्स चूज कर, तो ये जो ई से एफ की तरफ जा रहा है ना, तो ये लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो यहाँ इसके सिबलिंग्स क्या हो जाते हैं, ये हैं, ठीक है। अगर ये कनेक्शन यहाँ पे हुआ होता बी से सी में, तो इसके ए मतलब बी सी जो थे वो ए के सिबलिंग्स हो जाते, ए पेरेंट होता और ये चाइल्ड, और ये जो चाइल्ड होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स है और हमारे भाई बहन है, तो हमारे सिबलिंग्स है, राइट। तो ये इसमें सिबलिंग्स चेकिंग लेफ्ट टू राइट होता है, जो कि सब ट्री के अंदर होता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं सिबलिंग्स। अब चलते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए कर देखना, सारे वीडियो सारे क्वेश्चंस मैं यहीं क्लियर करूंगी, और एक वीडियोस और आएंगी थोड़ा सा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, तो उसको करना मुझे बहुत ज़रूरी है, तो मैं कल फिर एक वीडियोज़ लाऊंगी एंड उसको भी आप देखना। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर इन फॉलोइंग फंक्शन बाय द देयर कम्प्लीसिटी ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं हर बारी, तो आप इसको क्या करना है ना, आपको जैसे क्वेश्चन दिए होंगे ना सेम टू सेम एज इट इज उसे उतारना होता है, आई थिंक, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा सेम ही आंसर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये 2019 का क्वेश्चन है, दिसंबर का, ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़े से बहुत ही मस्त, मतलब यू नो मस्ती मज़ेदार क्वेश्चन है, तो उसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हो क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे,
ये अगर ठीक आप है, देखो समझो, समझना तो पड़ेगा, वो समझना हम यहाँ पड़ेगा। पे उतार लेने हैं ठीक है। एंड देन क्या करना है कि ये जो है ना एक मूड में डाल के उसको अलग करते जाना है, कभी एक हम इस सबको अलग अलग मूड में डालेंगे। एंड देन उसके बाद हम जो एक्स वाले पार्ट्स होते हैं उनको, जो भी कॉन्सोनेंट वाले पार्ट होते हैं, नंबर्स वाले पार्ट को अलग करके वेरिएबल को, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो उसको एक मूड में के अंदर डालेंगे। नाउ इफ यू टू देख रहे हैं कि हम यहाँ क्वेश्चन में कि सारे के सारे दो एक्स जो है वो दो से बड़े हैं, और एन एक्स जो है वन में, वन के टाइम पे एक्स जो है छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एंड देन सारे को अलग करके इसको प्लस कर देना है ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग कर दिया गया है, एक्स को अलग प्लस करा गया है और ये इसको अलग प्लस किए गए हैं, मतलब जिनके स्क्वायर्स नहीं हैं उनके भी, और जो नंबर्स हैं उनको अलग से प्लस करे गए हैं। तो बहुत इजी हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि रिकर्सिव फंक्शन को दिया हुआ है, उसको जो ना फैक्टोरियल टाइप में और उसको अलग करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि एफ और ये फैक्टोरियल में का 5 देता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले एफ 5 लिख के डैश दोगे, उसके दो पार्ट बनाओगे, एफ 4 और एफ 3, यू नो प्लस में, बीच में साइन प्लस का होगा। एंड देन उसके भी ब्रांचेस निकाल के, 4 से छोटा कौन आ रहा है तो 3 और 2 बच रहा है, यू नो दो दो मिनिमम। किसी के भी पेरेंट्स जो है इसमें कहता है कि ट्री में जो भी रूट्स होते हैं, यू नो पेरेंट्स, उसके चाइल्ड ज़्यादा से ज़्यादा दो ही होने चाहिए ठीक है, दो तो होने चाहिए। एंड देन एफ यहाँ 3 के क्या हो जाते हैं, 2 और 3, 2 और 1 हो जाता है। एंड देन ये 3 के पार्ट्स अलग कर देते हैं, तो यहाँ 2 और 1 हो जाता है, यू नो, और ये हो जाता है हमारा एफ और 0, सॉरी ये एफ और 0 हो जाता है, और यहाँ 2 बचता है, तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, 2 का 1 और 2 और 1 लिख देते हैं, एंड 1 का नथिंग, सो यू नो हल हट जाता है। और यहाँ पे 2 है तो इसको भी तोड़ते हैं, थोड़ा 1 ही आता है, इसका भी 1 ही आएगा, तो ठीक है, इसको कुछ है नहीं। अभी जो 1 1 1 1 बच रहा है उनको ऐड कर दो, हो जाएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर, यू नो कितना इजी है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 के क्वेश्चन में, यू नो 3 3 बार क्वेश्चन आया हुआ ये, तो इसको भी आप देख लेना। एक बार ये देख लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आप खुद से भी समझ सकते हो। इसको बताने के कुछ एक्सप्लेनेशन जो ना, आप एक ये जो आंसर्स हैं उनको आप चेक करते हो ना, तो आपको समझ आना। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक हम बात करते हैं टी बी टी, यू नो थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, इसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री द स्पेशल पॉइंटर इज कॉल्ड द थ्रेड और नोड हायर ठीक है। इसमें क्या कहता है कि आपके पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को बताता है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर में ठीक है। तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर में क्या होता है, थोड़ा देखते हैं इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें होता है लेफ्ट रूट राइट ठीक है, और बट प्री ऑर्डर में क्या होता है, ये रूट जो होता है वो पहले आ जाता है, लेफ्ट बाद में और आर पहले ठीक है। तो इसमें मान लो हम एक क्या कहते हैं इसको ट्री लेते हैं, कोई सा भी ट्री, आप यूजुअली कोई सा भी ट्री बना सकते हो अपने समझने के लिए, और हम कहते हैं कि क्या निकाले, प्री ऑर्डर निकालते हैं ठीक है। तो प्री ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होता है, आप देखोगे कि क्या कह रहा है, रूट प्री ऑर्डर में क्या क्वेश्चन है कि आप रूट पहले लिखोगे, तो रूट हमारा क्या है, ए है, तो हमने ए लिखा ठीक है। उसके बाद कहता है लेफ्ट साइड के पार्ट्स को लिखने होते हैं यहाँ पे ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए के लेफ्ट साइड को देखेंगे तो हमारा बी आता है ठीक है, तो हम यहाँ बी लिखेंगे। अब फिर कहता है तब राइट साइड के आप पार्ट्स को लिख सकते हो, तो बी के राइट साइड का पार्ट कौन सा है भाई, तो एफ है, तो हम क्या लिखेंगे,
सॉरी, जब जब हम बी पे आते हैं तो कहता है कि जब रूट, ये तो रूट हो जाता है क्योंकि इसके भी चाइल्ड्स हैं, है ना, तो ये रूट हो जाता है। तब हम क्या करेंगे कि रूट के बाद, रूट से फिर चलेंगे, रूट को देखते हैं, तो रूट के बाद क्या आता है, लेफ्ट। तो हम यहाँ लेफ्ट, बी के लेफ्ट पार्ट को लिखेंगे जो कि ई है, ठीक है, तो ई लिखे। एंड देन उसके बाद ये राइट पार्ट कहता है, तो हम एफ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ई और ये एफ, ठीक है। अब बचता है हमारा, फिर हम रूट के पास जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, तब कहता है भाई राइट साइड लो, तो बी का, ए का राइट साइड सी हुआ। एंड देन हुआ ये लेफ्ट राइट साइड, तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। बट इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले आप लाइट राइट साइड को लिखते हो, फिर रूट लिखते हो, फिर राइट साइड के लिखते हो, लेफ्ट रूट एंड राइट। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, ये वाली चीज़ को। अब हम देखते हैं इसको इन ऑर्डर कैसे करते हैं। तो हम ना इन ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं। इन ऑर्डर में लेफ्ट साइड पे ई है, तो हम क्या करेंगे, ई लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ई लिख लिए, ई था। अब कहता है रूट पे जाओ, तो ई का रूट क्या है भाई, तो ई का रूट बी है, तो बी पे जाएगा, है ना। अब कहता है कि आ, 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 इसके जो राइट साइड पे होगा वो लिखो, तो रूट का राइट साइड क्या है भाई, तो एफ है, सो हमने एफ लिखा, है ना। और फिर कहता है कि फिर रूट पे जाना है हमको, क्योंकि यह तो ख़त्म हो गया ये सर्कल, तो हम फिर यहाँ रूट पे जाएंगे, तो ये रूट क्या हो जाता है भाई, ए, तो ए लिखेंगे, क्योंकि हमको पहले रूट लिखना है, देन लेफ्ट लिखना है, और फिर राइट, इन ऑर्डर में, सॉरी, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट रूट और राइट। तो हम इधर जा रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा सर्कल ख़त्म हो गया, तो मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम रूट के पास जाएंगे, फिर उसको ये यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब कहता है कि रूट के बाद जो होता है वो हमारा राइट साइड होता है, तो हम लिखेंगे पहले डी और फिर होता है ये सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है, ये भी समझने की प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। एंड देन कि ये जो होता है ना, यू हाउ टू पार्ट ऑफ लिस्ट, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और टाइम तो है नहीं, बहुत लॉन्ग वीडियोस हो जाएंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, और सारे पीडीएफ को अभी के अभी डाउनलोड करें। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, एंड वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।